أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين उसलाम अशरफुलम्बिया इनसलिन नबीना मोहम्मद वालवाबी वजवाजी हैं व्लम तस्लिम कसर वाजबिल्ल समीमिनशैतरजीम मिन हमज़ी हैं ऊनफ़ी ऊन सबसमिल्लर वज़किरफ़ादक तनफ़ा मोहतरम नादरन व सामीन असलम वरम वरक़ूफराज इस सीरीज़ में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं जिनूक़ के बारे में बात चल रही थी तलबा और तलिबात के हकूक़ स्टूडेंट्स के जो है हकूक़ मुरबीन इस मौलत पर जो बनते हैं जिसका अदा करना ज़रूरी है, ये बुनियादी हकूक़ हैं जो अल्लाह की तरफ से जो है आयद करदा हैं एक अदीम हक़ जो आज के दर्स में मैं बताऊँगा वो ये हैं दुआ करना इसका जो है मौल का मरबीन का अपने शागिदों के लिए अपने इस्टूडेंट के हक़ में जो है दुआ करना चाहिए दुआ एक अदीम इबादत है अदुआा इबादा अल्लाह के नबी सास ने फरमाया दुआ एक अदीम इबादत है दुआ एक अदीम इबादत है और दुआ के ज़रिए बड़ी बड़ी मुसीबतें बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर होती हैं अल्लाह का तकरब हासिल होता है अल्लाह की नज़दीकी हासिल होती हैं और दुआ के जवात बताए गए अगर उसकी पाबंदी हम करें अल्लाह से रो कर गिड़ गिड़ा कर दुआ की आदाब शुरू का अहमाम करें बड़ी बड़ी हमारी तमन्नाए ख्वाहिशात अल्लाह तला पूरी फरमाएँगे दुनिया आखरत में जो है भलाइयाँ और अजर स्व अल्लाह त अता फ़रमाएंगे बिलखसूस यहाँ हमारा जो दर्ज है वो ये कि तलबा और तलबात के हक़ हाँ में मौलमी मौलमत अस्तदा टीचर्स को चाहिए कि वो कसरत से जो है उनको दुआ दें ख़ास तौर से जो लोग अच्छा पढ़ते हैं आम तौर से तमाम तलबा तलबात के हक़ हाँ में दुआ करें कि अल्लाह उनको नेक बनाएँ अल्लाह उनको जो है दीन की समझ अता फ़रमाएँ उनको जो है उनके दिलो दिमाग को खोल दें रफ़ के कलाम को समझने के अल्लाह तोफ़ी अहादीस को याद करने अहाी को समझने उससे मसाइल को मुस्मत करने और इसी तरह दुनिया के जो भी उलूम सीखते हैं हमारे तलबा तलबात चाहे वो डॉक्टर बनते इंजीनियर बनते होंब्ती तालीम मब्ती हों शुरू में पढ़ने वाले हों डिग्री लेवल के हों या आला तालीम हासिल करने हर एक की बात में कर रहा हूँ तमाम तलबा तलबात जब तक तो वो तलबा तालबात कहलाते हैं हम उनके हक़ में कसरत से दुआ करें जिस मैदान में जिस मुफ़ी इनक हासिल करें जिसमें उनका फ़ायदा है उनके समाज व माशरे का मुल्क व मिलत का फ़ायदा है उनके हक़ में हम दुआ करें कि मुस्लिम बच्चों को अल्लाह आगे ले जाए तरक्ता फ़रमाए दुनिया आख़रत में उन्हें कामयाब करें ऐसी दुआ करना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हक़ हाँ में जो आपके शागिर्द हैं अपनी सहाबियात के हक़ हाँ में जो आपके शागिरदात थी अल्लाह के नबी सा कसर से दुआएं करते थे उम्मत के हक़ हाँ में अल्लाह के नबी सा दुआ की बिलोम ख़ास तौर से सहाबा ज आप पास आ सीखते थे असहाफ़ा अबू हरे रौी अल्लाह तह की पूरी जमात जो वहाँ रहकर सुफ़ा में रहकर अल्लाह के नबी सा आसम से नबी में दरस व तदरीस के जो फरीदा अल्लाह के नबी सांजाम देते थे दिनों रात भूखे प्यास से रहकर उन्होंने इल्म को सीखा अल्लाह के नबी की दुआएँ ली खास अबू हरेरा रती अल्लाह तहु हक के हक़ में अल्लाह के नबी ने दुआ की तो एक मरतबा आपने कहा कौन है जो अपनी चादर को फैलाया आपने फैलाया आपने दुआ दी अबू हुरैरा हरे तआला तैन कहते हैं कि जिंदगी भर मैंने अल्लाह के नबी सा आसन की बातें नहीं भूला मुझे शिकायत थी शुरू में याददाश्त के तौर से जो है बहुत सारी बातें भूल जाता था अल्लाह के नबी से जब उन्होंने शिकायत की इस बारे में तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा चादर फैलाओ फिर आपने उनके लिए हक़ में दुआ की ज़िंदगी भर उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम बातों को नहीं भूला तो आपके हक़ में आपने दुआ की इसी तरह बिन अब्बास अब्दुलबी अब्बा रद्ल तुमा ने जो आपके चचेरे भाई भी थे और रिश्ते में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफा भी खालू लगते थे ममूना रौ तहा अपने अब्बास की जो है ख़ास खाला थी इस ना इस रिश्ते के मुनासब से अल्लाह के नबी खालू भी लगते हैं और चचेरे भाई भी रिश्ता था रात में अल्लाह के नबी के पास अक्सर आके सोया करते थे सही बखारी में जो है काफ़ी रिवायतें मरवी हैं एक मरतबा उन्होंने वज़ू का इंतज़ाम किया अल्लाह के नबी सा के लिए काफ़ी खुश हुए कहते हैं दम मनी रसोल्ला सल अल्लाम अल्लाह के नबी अपने सीने से मुझे लगाया खुश हुए और मेरे हक़ में दुआ की अल्लाहन किताब कहाँ अल्लाह इस बच्चे को जो है कुरान काम फरमा, दूसरे अल्फाज दूसरे रिवायतों में जल्माफ़ी फिद्दीन, वालिम तावील कहा दीन की समझ अता कर और दीन कुरान का जो है तबसर का इल्म उसे अता कर हर फ़न मौला थे आप अल्लाह के नबी सा की दुआ आपके हक़ में कबूल हुई हर फन में माहिर थे आप तर्जुमान कुरान के लखब से जो है मशहूर हुए और आपकी मजलिसें ऐसे सचती थी आपके शागिरद कहते हैं इकरमा और मुजाहिद और दीगर से मरवी हैं कि जो चाहता तफसीर के अलग के अलग की अलग मजलिसें होती हैं हदीस के अलग मजलिसें, अदब की अलग मजलिसें, नहु सर ग्रामर के अलग मजलिसें, हर फ़न में आप माहिर थे ख़ास तौर से कुरान केलूम में ूम कुरान में जहाँ भी आप देखें हर अक्सर आयतों में ख़ाला इबन अब्बास ख़ाला इब्न अब्बास हमामा से सुनते हैं किताबों में हम पढ़ते हैं तो ये दुआ अल्लाह के नबी सासुन के हक़ में की थी अल्लाह ने कबूल की हमें भी चाहिए कि हम जो है अपने शागिदों के हक़ में दुआ करें जो हम में से मरबीआन हैं जो टीचर्स हैं मौलमत हैं खवतन उनसे उनको चाहिए कि पाबंदी करें इसी तरह देखिए अल्लाह के नबी सा ने अनस रदील्लादिम रसूल अबू हमजा अनस बिन मालिक रदील्ला जिन्होंने दस साल तक खिदमत की आपकी उमिर सलेम के साहिबजादे उमिर सलेम ने आकर कहा अल्लाह के नबी सा अपने ख़ादि अनस के लिए आप दुआ कीजिए दुआ फरमाई तो आपने कहा अक्सर महू अल्लुम अखसर महूलहु बारिक लहूँ फ़ीमा आते ही तोह यह सही मुस्लिम किताबुलफ़ाइल में इस हदीस को नक़ल किया है कहाला अनस के जो है माल में उसकी औलाद में और जो कुछ तो उसे अता करे उसमें बरकत अता फ़रमा अल्लाहु अकबर इतनी बरकत हुई अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया उनस कहते हैं ख़ास और माल औलाद में कहा सौ केरीब औलाद को उन्होंने अपने हाथ से दफन किया अल्लाह अकबर इतनी बरकत उनके माल में उनके इल्म में उनकी औलाद में सौ के करीब रिवायतों में मरवी हैं सौ के करीब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में औलाद को दफ़न किया इतनी औलाद उनको अल्लाह ने अता फ़रमाया था बरकत दी अल्लाह ताला ने तो हम और आपको भी चाहिए अल्लाह के नबी सा की ज़िंदगी जो हमारे लिए उसवा है आइडियल हैं आप हमें चाहिए कि जबान का सही इस्तेमाल करें कभी बदुआ ना करें कभी गलत अल्फाज ना निकालें बाज मब्बिया को देखा जाता है के गलत अलफाज उनके ज़बान से कभी बद निकल जाती है गलत अल्फाज निकलते हैं तुम बेवकूफ़ हो तुम आहमक हो तुम फलाँ हो तुम पढ़ नहीं सकते तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो बाज़ लोग लानत भी कर देते हैं बद दुआ देते हैं अल्लाह हम जैसे मैंने पिछले दुरूस में कहा ये हमारी औलाद की तरह जैसे मना किया गया हमारे औलाद के लिए हम बदुआ ना करें दुआ के ख़ास होते हैं अल्लाह तला दुआ कबूल करते हैं बद दुआ भी अल्लाह कबूल कहें ऐसा ना हो कि किसी के हक़ में हम बद दुआ करें किसी के हक़ हाँ में बद दुआ करें और अब दुआ कबूल हो जाए कहीं ऐसा ना हो आप अपने बच्चे को पढ़ाते हुए बद दुआ दें कोई पसंद नहीं करता किसी माँ बाप को भी पसंद नहीं कि उसके बच्चे को बद दुआ दी जाए बच्चे हैं ना समझ हैं इसीलिए आपके पास आए हैं पढ़ने के लिए वो आपके इल्म के मोहताज हैं आपकी शफ़क़त नरमी के मोहताज हैं आपकी दुआओं के जो है उनको सहारा चाहिए उस उम्र में ना समझ होते हैं चाहे वो किसी डिग्री लेवल पर भी हो ना समझ हैं आपसे कम हैं इल्म में तजुर्बे में अकल में तो आप उनकी रियायत करते हुए हमेशा अखलाक से पेश आएँ दुआ दें दुआ दें पता नहीं कि किसकी दुआ कब कबूल हो जाएँ किसके हक़ में कबूल हो जाए वक्त का इमाम बने वक्त का मुहदस बन जाए वक्त का मुफसर बने वक्त का अदीब बने वक्त का डाक्टर अच्छा इंजीनियर बनकर कौम मिल्लत की खिदमत करें और आज तारीख़ गवाह हैं उठा के देखें अभी मैं अल्लाह के नबी सा जिक्र कर अल्लाह के नबी ने कैसे शागिद अपने तैयार की दुनिया में कितना मकाम उन्होंने पैदा किया और उन्होंने अपने शागिरदों को बनाया ताबी को पढ़ाया ताबईन ने तब ताबीन को पढ़ाया ये सिलसिला आज भी जारी है या जो सवाब अल्लाह के नबी सा को सहाबा ताबीन को मिलेगा उनको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा कब मिलेगा जब हम अल्लाह के नबी सा के तरीक़े को अपनाएं आपकी ज़िंदगी को उसवा बनाते हुए हम सही तालीम और तरबियत के सिलसिले में जो अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारें इस फरीदे को कमा हक़ को निभाएँ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताल हम तमाम को सही मानों में जो बातें हमने सुनी हैं समझने की अमल करने की तोफ़ीदा फरमाएँ तलबा व तालबात के हक़ में उनके जो हकूक़ हैं हक़ को अदा करने की स्वादत नसीबीबी फरमाए इस सिलसिले में जो कोताही सुस्ती होती है अल्लाह उससे हमें दरगुजर का मामला फरमाए और उन कोताही को दूर फरमाए हमें एक अच्छा मुरबी अच्छा असा उस्ताद बनने की स्वादत नसीबे फरमाए अल्लाह हमारी खिदमत को कबुल फरमाए आमीन सुमी वमा अलीना इबलामबी असलम आलकम वर्का